श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा और गाजर के हलवे के साथ में रबड़ी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना गाजर का हलवा और रबड़ी। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम। इसमें एक बार उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद इसमें हम गाजर को डालेंगे। ये मैंने 1 किलो गाजर को कस के रखा हुआ है। गाजर मैंने एकदम बारीक कसी हुई है। इसको कसने के लिए मैंने ये बारीक वाला यूज़ किया है। इससे कसेंगे तो गाजर अच्छे से घुट जाएगी दूध में और हलवा बहुत अच्छा से बन के तैयार होगा। दूध में जब उबाल आ जाएगा तब हम इस गाजर को दूध में डालेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस को हम थोड़ा स्लो कर देंगे। अब इसमें ये गाजर डालेंगे कसी हुई। गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे दूध में। अब गाजर और दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक ये दूध बिल्कुल सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे हम। दूध और गाजर में भी उबाल आ चुका है। अब इसको इसी तरह से हम धीरे धीरे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। दूध बिल्कुल सूख ना जाए तब तक हम इसको इस तरह से ही बीच बीच में चलाते रहेंगे। गाजर के हलवे को बनने में करीब 1.25 घंटा लग जाता है। गाजर के हलवे को बनते हुए करीब 1.25 घंटे के करीब हो चुका है। इसका दूध अच्छे से पूरा सूख चुका है। इस हलवे को मैं बीच बीच में चलाती रही थी जिससे अच्छे से घुट के तैयार हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से घुट गया है ये पूरा। इसमें अब 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। घी डालने से हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको पहले हम 2-3 मिनट तक, करीब 5 मिनट तक हम घी में भूनेंगे इसको। घी में भूनने से जो दूध का ये खोया बना है, ये खोया घी में भूनने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हलवे को घी में भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसने कढ़ाई को एकदम अच्छे से छोड़ दिया है। जो ये दूध का जो मावा बन गया है वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी मैं इसमें ये 1/2 कप डाल रही हूँ। चीनी आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाफ टी स्पून हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच ये काजू बादाम डालेंगे, ये जो मैंने दरदरा पीस के रखा हुआ है। थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे और हलवे को भी हम कम से कम 7-8 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे। गाजर का हलवा हम इस तरह से बनाएंगे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हैं गाजर के हलवे की। इससे बर्फी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम ऐसे भी बार बार गर्म करके खा सकते हैं। गाजर के हलवे को बनते हुए 7-8 मिनट और हो चुके हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से भून चुका है। इसकी सिकाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है बिल्कुल। अभी हमारा हलवा बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। रबड़ी बनाने के लिए मैं ये 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ। ये फुल क्रीम दूध है। ये मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून दूध इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से घोल के साइड में रख दूंगी। जब ये रबड़ी का दूध उबलने लगेगा, इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। लंप्स नहीं होनी चाहिए इसमें। मिल्क पाउडर अच्छे से घुल चुका है। अब इसको मिक्स साइड में रख देंगे। रबड़ी के दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें हम ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। ये 1 चम्मच जो मिल्क पाउडर हमने दूध में घोल के रखा हुआ था इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच हम मलाई ऐड करेंगे। ये मलाई हमें फ्रेश लेनी है और इसको 2 मिनट हम चलाते रहेंगे। तो दूध में मिल्क पाउडर डालने से और मलाई डालने से रबड़ी हमारी बहुत अच्छी दानेदार और बहुत टेस्टी तैयार होगी बनके। मिल्क पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है रबड़ी का। अब रबड़ी को हम जब तक पकाएंगे जब तक ये दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और इसके किनारे से इसकी मलाई को हम इस तरह से हटा के बीच में करते रहेंगे। इससे रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी, मलाईदार और दानेदार। दूध उबल के अच्छे से गाढ़ा हो चुका है।
अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे। चीनी आप चाहे तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। चीनी को घुलने तक इसको पकाएंगे हम। अभी ये काजू बादाम मैंने कूट के रखा हुआ है, दरदरा पिसा हुआ है, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब इसको बस हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। रबड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए एकदम अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अभी ये ठंडी होने पे और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब गैस को हम बंद कर देंगे। गाजर का हलवा भी बनके तैयार हो चुका है, रबड़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। रबड़ी में थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, थोड़ा सा काजू बादाम डालेंगे। अब गाजर के हलवे से हम थोड़ी सी बर्फी तैयार करेंगे। ये मैंने इस पर थोड़ा सा घी लगा के रखा हुआ है, इसको ग्रीस करा हुआ है घी से। थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा काजू बादाम डालेंगे। अब गाजर की बर्फी को हम 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब इसके हम पीस कट करेंगे। गाजर का हलवा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और रबड़ी भी हमारी तैयार है। गाजर के हलवे के ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे, थोड़े से काजू बादाम डालेंगे। अब गाजर के हलवे को हम रबड़ी के साथ 2 तरह से परोसेंगे। पहले तो हम इनके 2 शॉट्स तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा गाजर का हलवा डालेंगे पहले। और इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरा शॉट भी तैयार करेंगे। गाजर का हलवा रबड़ी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें आप। इसको आप गरम गरम भी खा सकते हैं और या फिर ठंडा करके भी खा सकते हैं। इस तरह से इसको बनाएंगे तो हमारा पार्टी प्लेटर भी तैयार हो जाएगा इससे, और इसको हम इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इसके हम 1 लेयर पहले लगाएंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे हम। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हलवा लगाएंगे हम। गाजर और रबड़ी का डेजर्ट आप ये ठंडा करके भी परोसेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसके ऊपर फिर से हम रबड़ी लगाएंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे। ये हमारा गाजर और रबड़ी का डेजर्ट कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। ये हमारी सभी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी हैं। अब गाजर के हलवे को और रबड़ी को हम इस तरह से कट करके निकालेंगे। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लगेगा, और इसको हम इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों का एक प्लेटर रेडी करेंगे। गाजर के हलवे और रबड़ी से हमारी सभी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए गाजर का हलवा और गाजर के हलवे से हमने ये बर्फी तैयार कर ली है, और गाजर के हलवे और रबड़ी से हमने ये 2 शॉट्स भी तैयार कर लिए हैं। और इसको हम इस तरह से कई लेयर लगा के भी बना सकते हैं। ये वाला डेजर्ट अगर आप थोड़ा ठंडा करके खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, और इसको हमने इस तरह से इसको सर्व किया है। और ये सभी चीज़ें हम व्रत में भी खा सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।